देश की पहली चाइल्ड फ्रेंडली स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का देहरादून में आगाज हो गया है। प्रोजेक्ट की शुरुआत विश्व प्रसिद्ध नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी और फ्रांस के भारत में राजदूत इमैनुअल लिने ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मौजूदगी में किया। का ये पहला जहां हमने तय किया है कि हम देहरादून सिटी को चाइल्ड फ्रेंडली बनाएंगे और एक बड़ी भारी चुनौती भी है ये, क्योंकि कल से ही आपका कैमरा अपना काम शुरू कर देगा, लेकिन हम इसको एक चैलेंज के रूप में लिए हुए हैं और निश्चित रूप से हम इस शहर को जो हमारा स्मार्ट शहर है बनने जा रहा है उसको हम चाइल्ड फ्रेंडली भी बनाएंगे। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने केंद्र सरकार के सिटी इन्वेस्टमेंट फॉर इनोवेट इंटीग्रेट एवं सस्टेन यानी सिटीज प्रोग्राम के जरिए स्कूली बच्चों को ध्यान में रखकर यातायात व्यवस्था बनाने की परियोजना पर जोर दिए जाने की खास जरूरतों पर प्रेजेंटेशन दी। इस कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी शामिल रहे। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार उत्तराखंड में बाल मित्र शहर की योजना पर काम शुरू हो रहा है। इसके साथ ही अब बाल मित्र पुलिस, बाल मित्र बाजार और बाल मित्र सरकार की भी शुरुआत होनी चाहिए। स्मार्ट सिटी की ओर से देहरादून में स्मार्ट रेजिडेंट सोसाइटी और कॉलोनियों की कंपटीशन में विजेता रहे कॉलोनी को इस भव्य कार्यक्रम में पुरस्कृत भी किया गया। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देहरादून में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और सहूलियत को ध्यान में रखकर ट्रैफिक प्लान, बस स्टॉपेज, स्पोर्ट्स जोन, स्पीड कंट्रोल और फुटपाथ प्लानिंग में खास बदलाव किए जाएंगे। जय भीम टीवी को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देते हुए मशहूर नोबेल विजेता कैलाश सत्यार्थी ने धर्म गुरुओं से अपील की है कि वो देश में अमन, भाईचारे और सहयोग की भावना बच्चों में भरने के लिए आगे आए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोई भी सभ्य, कोई भी सुसंस्कृत, कोई भी धार्मिक, कोई भी सांस्कृतिक राष्ट्र, राज्य या जिला तब बनेगा जब वो बाल मित्र होगा। और उत्तराखंड में मुझे बहुत आशा है, यहाँ के मुख्यमंत्री जी में जिस तरह की संवेदना और जिस तरह के काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति और पुरुषार्थ है उसके देखते हुए मैं आशा करता हूँ और मैंने कहा भी कि उत्तराखंड को पहला बाल मित्र राज्य बनाएं। और इसका अर्थ है कि कोई भी बच्चा शोषण का शिकार नहीं होगा, अत्याचार का शिकार नहीं होगा, सब बच्चे पढ़ेंगे, सब बच्चे मिलकर समाज का, राष्ट्र का निर्माण करेंगे। धर्मगुरुओं से मैं बार बार अपील करता हूँ कि आपके चाहने वाले बहुत हैं, आपके भक्त लोग हैं, अनुयायी हैं, तो आप अपनी उस प्रतिभा का, उस ताकत का इस्तेमाल कीजिए और निवेदन करिए कि अगर कहीं आपके यहाँ, चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, सभी धर्मों के धर्मगुरु ये अपील करें कि अगर कोई भी उनका भक्त, कोई भी उनका अनुयायी, कोई भी उनका धर्म पालन करने वाला बच्चे के साथ अत्याचार करता है तो वो अधार्मिक है, वो उस धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। वो आवाज़ दें, कहें लोगों से कि आप अपने बच्चे के साथ दोस्ती करिए। आम लोगों से कहें कि आप कितना ही पैसा कमा लो, कितना ही आप सत्ता में बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन थोड़ा वक्त निकालो अपने बच्चे के साथ हंस के, खेल के, प्यार से बात करने का। अपने आप को थोपो मत बच्चे के ऊपर, सिर्फ उपदेश मत दो बच्चों को, बल्कि बच्चे की बात सुनने का, उसकी शिकायत सुनने का, उसका गुस्सा सुनने का अभ्यास डालो। ऐसे कान पैदा करो जहाँ बच्चे हिम्मत के साथ अपनी बात आपके कानों तक पहुँचाएँ। सोसाइटी को हमने, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा आसपास का एरिया है, उसको हमने बाल मित्र सोसाइटी, जैसे दून चाइल्ड फ्रेंडली सोसाइटी बनाई है। और हमारी सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसा जो हमने ऑलरेडी चाइल्ड फ्रेंडली है, तो तभी हम लोगों ने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया कि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम हर चीज़ चाइल्ड फ्रेंडली है। ऑल दो चाहे स्पीड लिमिट हो, अंदर ट्रैफिक आता है, जो बैंस आती हैं बच्चों के लिए, बाकायदा पूरी सोसाइटी में हमारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, स्पीड लिमिट 10 किलोमीटर पर आती है हमारी सोसाइटी के अंदर, स्ट्रीट लाइट प्रॉपर है। जय भीम टीवी के लिए देहरादून से आशीष तिवारी की रिपोर्ट।